सर क्या खबर है, कब सर ट्रेनिंग होगा? अभी तक सर कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है सर। अरे वहाँ आपका उड़ीसा में तो क्या ट्रेनिंग कराया, ट्रेनिंग ठीक है, ओके गुड, सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, ठीक है, अच्छा किया, लेकिन अब तो फाइनल हो गया यार। वो तो फेक है, वो तो फेक है, सभी को पता है। फेक है, कितना 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 चंदा लिया था पता नहीं, वो लोग कितना दिया था हम लोग तो पता नहीं। अच्छा, लेकिन आप भी गए थे ट्रेनिंग में? नहीं नहीं नहीं, हम लोग का अब्दुल नहीं, हम तो अली है, अली है, शाहरुख अली। अच्छा ठीक है, भले नहीं गए, बस इतना ध्यान रखिए कि आप लोगों का डाटा जमा हुआ कि नहीं हुआ। नहीं जमा तो अभी तक नहीं हुआ, हमारा तो लिंक भी नहीं हुआ सर। अरे मैं आवेदन लिखिए उसमें ईमेल में। हाँ अभी मैं एक ऑडियो शेयर किया हूँ, उसमें टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं। हाँ सर आपका टेलीग्राम डेली तो देख रहा हूँ। तो ऑडियो में मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कैसे कैसे करना है। लाइव में लाइव भी था, टेलीग्राम में मैं भी था। जितना लोग का लिंक नहीं हुआ है वो छोटा सा एक आवेदन लिखेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रभारी के नाम से कि सेवा में राष्ट्रीय प्रभारी महोदय जी, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, विषय में लिखिएगा मेरा लिंक नहीं हुआ। फिर लिखना है महाशय सभी ने निवेदन यह है कि मेरा QR कार्ड नंबर इतना है, मेरा ई श्रम कार्ड नंबर इतना है, दिनांक इतना है, मैंने अपना डाटा फलाना लीडर को काम कराने के लिए समर्पित किया था, उनको चंदा के रूप में इतना रकम दिया था। एकदम डेफिनेट लिखेगा, इसको मीडिया में हम लोग नहीं देंगे, ठीक है, घबराना नहीं है, ये मेरे आपके बीच में और राष्ट्रीय प्रभारी के बीच में केवल रहेगा, डरना नहीं है, गुप्त रहेगा, आपके लीडर को भी पता नहीं चलेगा, इसलिए लीडर लोग से जो लोग डर रहा है डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, गुप्त रूप से आप उसको लिख दीजिएगा, एकदम खुल के लिखिएगा, फिर मुझे लास्ट में लिखेगा मेरा लिंक करने में मेरी सहायता करें, अब फिर विश्वास भाजक लिख के अपना हस्ताक्षर करके मुझे भेज दे, मतलब ईमेल में भेज देना है, ईमेल में brmgssnews24@gmail.com में भेजना है, व्हाट्सएप में नहीं भेजना है, टेलीग्राम में नहीं भेजना है, किसी भी सोशल मीडिया में नहीं भेजना है, ईमेल में भेजना है। जो ये सर कब तक ट्रेनिंग हो जाएगा स्टार्ट? होना शुरू हो गया तो जिसका लिंक हो गया, जिसका जिसका गैंग सूची जमा हो गया, वो लोग उन लोगों का डाटा को अभी त्रिपक्षीय बैठक हुआ था वहां पर सबका जमा हो रहा है और उन लोगों को वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। आप कल्पना करिए ना, श्रम मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से लागू कर दिया है तो वो तो दिसंबर में जाके देगा क्या तनखा? ऐसा तो नहीं है, इसीलिए ना मैं बोल रहा हूँ जिसका जिसका लिंक जल्दी हुआ है जल्दी से जल्दी लिंक कराए, लिंक कराए नहीं तो छूट जाइएगा एकदम। सर ये कब तक मतलब फाइनल डिसीजन कब तक काम में लगेगा, कब तक गोडाउन में कब तक हो जाएगा? हाँ ये दुर्गा पूजा के बाद देखिएगा क्या हो सकता है। आज लाइव आइए ना, ये सवाल को वहाँ लाइव में पूछिएगा, लीडर लोग जवाब देगा इसको, मैं मीडिया हूँ मुझे जवाब देना उचित नहीं। आप कितना बजे लाइव आएगा? 9 बजे अभी लाइव है, मैं शुरू कर दिया हूँ, लेकिन 9 बजे 9:15 के बीच में स्टार्ट होगा। सर सर वो पूरा गवर्नमेंट का अंदर होगा ना ये? पूरा कम्प्लीट गवर्नमेंट के अंदर होगा, ठेकेदार गेट आउट। आप लोग उसको भगा सकते हैं क्योंकि हम लोग का पॉलिसी सैंक्शन हो गया है, लेबर मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो चुका है। फाइनल कैबिनेट सर? फाइनल कैबिनेट फाइनल क्या फाइनल हो चुका है? कल 11 बजे रात को मैसेज आया, मैंने वीडियो बना के डाल दिया, रात को 3 बजे तक मैं जागा हूँ वीडियो बनाने के लिए। फेसबुक भेजा थोड़ा था, फेसबुक को लिंक भेजा था, देखा ओपन करके, वो वीडियो को देख लीजिएगा, रमन सर भी मैसेज दिए, मैंने भी मैसेज दिया, ऑडियो के रूप में भी दिया, वीडियो के रूप में भी दिया। सर जो दिगंबर मेहता सर वो सर कौन सा राष्ट्रीय में कौन सा है, राष्ट्रीय परिवार कौन सा सीट में वो सर है? अभी उनका नाम यूनियन में थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा है, बहुत सारे लीडर लोग का, आई डोंट नो क्या क्या प्रॉब्लम है, देखना होगा।